हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो अभी सौ बंदे हो गए और हम लाइव आ चुके हैं। सॉरी, जो मतलब अभी जो कॉन्वर्जेशन हो रहा था उसके लिए वेरी मच सॉरी, क्योंकि आप जैसे जानते हो मेरी रूम आईडी खत्म हो चुकी है और मैंने अभी एक रूम बनाया था, पर वो क्या हुआ, मैं थोड़ा बैक गया था तो वो रूम क्लोज हो गया। तो आई एम रियली सॉरी जिन जिनको मतलब गलत आईडी आ गई, और हमें हमारा रूम स्टार्ट हो गया है जैसे आप देख सकते हो। गाइस, आज शाम का जो दोपहर का मैच था उसके विनर थे मास्टर और उनको उनकी यूसीज मिल गई है। गाइस, आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही हम लोगों का लाइक स्ट्रीम जो है इतना अच्छा चल रहा है। थैंक यू वेरी मच सबको जो भी मतलब हमारे गेम में है या जो हमारे लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही हमारा चैनल ग्रो हो रहा है और हम बहुत अच्छे अच्छे गिव अवेज और गिफ्ट्स के साथ आते रहेंगे। जैसे आपने देखा आज भी गिफ्ट हुआ था यूसीज। और गाइस, मैंने मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी मेरे यूट्यूब अकाउंट में डाल दिया, आप अबाउट में जाके मेरे इंस्टाग्राम आईडी भी ले सकते हो। अगर कोई नए बंदे हैं इस चैनल में जो मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी यूट्यूब में, और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो मैं वो भी बोल देता हूँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है योगेश रामावत, YOGESHRAMAWATH। जैसे आप देख सकते हो गेम स्टार्ट हो गया है। तो गाइस, आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और बहुत ही जल्दी हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे प्राइस के साथ आने वाले। जैसे मैंने आपको पिछले दो स्ट्रीम्स में भी बताया था, 250 सब्सक्राइबर्स पे हम लोग एक मैच रखने वाले हैं उस दिन। जो भी स्क्वाड वो मैच जीतेगा उन सबको 35-35 यूसेज दिया जाएगा पूरी स्क्वाड को, और जैसे हमें 500 हो जाएंगे रॉयल पास गिव अवे करेंगे हम लोग। वैसे आप देख रहे हो हम लोगों ने मतलब यूसीज भी गिव कर रहे हैं लगातार मैचेस में। वैसे आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, और जो भी हमारा चैनल देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। वैसे अभी आप जैसे देख सकते हैं टीम नंबर 16 और टीम नंबर 2 के बीच में फाइट हो गई है। टीम नंबर 2 के दो बंदे यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, टीम नंबर 2 के यहाँ पे दो बंदे, एक बंदे नॉक पड़ा, एक बंदा किल हो चुका है। टीम नंबर 16 का भी एक बंदा यहाँ पे जैसे देख सकते हो, टीम नंबर 22 का बंदा ऊपर छुपने के लिए वो जो वाटर का हमारा जो टैंक रहता है मिल्टा पावर पे वहाँ पे आके छुप गए हैं कवर में। टीम नंबर 16 ने भी यहाँ पे अपना बंदा एक खो दिया, जैसे आप देख सकते हो वो लोग दूसरे बंदों को यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। भाई साहब देख सकते हो वैट जो 69 रोहित थे वो अभी एंटर कर लिए यहाँ पे पूरी, मतलब तीन बंदे हैं टीम नंबर 16 के। जैसे आपने देखा एक बंदा स्पॉट हो चुका है, और गाइस ये बंदा नॉक भी हो गया, जैसे आपने अभी अभी देखा ये बंदा नॉक हो गया है। गाइस यहाँ पे जैसे आपने देखा टीम नंबर 22 ने टीम नंबर 16 की पूरी स्क्वाड को वाइप आउट कर ली है, बहुत अच्छा खेल रहे टीम नंबर 22। जैसे आप ये बंदे को जानते हो वैट 69 रोहित ब्रो, किस नंबर पे है ये, किसका मैसेज था भाई, टीएल विनोद टीम किस नंबर पे है ब्रो, एक सेकंड में आपको चेक करके बताता हूँ। आप उस टीम को सपोर्ट करें, वो टीम नंबर 5 पे है ब्रो। गाइस हम ओवरऑल अभी टीम नंबर 1 जो देख सकते हैं उनके दो ही बंदे अभी सर्वाइव कर रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने टीम नंबर 20 के दो बंदे नॉक करके उनको पूरा किल कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो यूजी से किल हो रहे हैं यहाँ पे, और टीम नंबर 20 के बंदे उन पे रैंडम फायरिंग भी कर रहे हैं, और यहाँ पे टीम नंबर 20 का और एक बंदा भी नॉक है जैसे आप देख सकते हो। टोटली तीन बंदे नॉक है टीम नंबर 20 के, और टीम नंबर 1 उनकी तरफ बढ़ रही है।
गाइस आपको लगता है तो टीम नंबर 20 किसी एक बंदे को भी नॉक कर पाएगी टीम नंबर 1 के? आप जैसे देख सकते हो टीम नंबर 1 के एक बंदे उनके बंदे की तरफ आ गए हैं टीम नंबर 20 के। क्या गाइस आपको क्या लगता है यहाँ पे टीम नंबर 20 इस गेम को सर्वाइव कर पाएगी यहाँ पे? तो गाइस आज शाम का जो मैच हुआ था उसके विनर थे मास्टर और उनको 35 UCs उनको मिल गई है एज अ गिफ्ट। और गाइस मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हमारे 2 दिन पहले एक मैच हुआ था उसका एक बंदे ने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं किया उसका आईडी, वो बंदे का नाम है बिंदर गोपी। तो प्लीज़ बिंदर गोपी हमें प्लीज़ इंस्टाग्राम पे अगर आप ये लाइव देख रहे हो या उनके कोई भी फ्रेंड्स देख रहे हो ये हमारा मैच जीते थे तो प्लीज़ उनके स्क्वाड में जय शाह वो लोग भी थे, तो प्लीज़ अगर आप वो कोई यूसीज नहीं मिले मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है योगेश रमावत, तो आपको यूसीज हम दे देंगे। गाइस अभी टीम नंबर 2 का एक बंदा नॉक हो चुका है जैसे आप देख रहे हो उनके फ्रेंड्स उनको रिवाइव, और टीम नंबर 24 ने घर में रश कर दिया और उनका एक बंदा नॉक हो चुका है, ये दूसरा बंदा उनका नॉक हो गया जैसे आपने अभी अभी देखा। गाइस वेलकम ब्रो, वेलकम, आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही हम लोग हमारा चैनल इतना अच्छा चल रहा है गाइस, आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए बस। आप जैसे देख सकते हो टीम नंबर 2 के बंदे नॉक हो चुके हैं और इनके एक बंदे किल हो गए, ये शायद पूरा किल ले रहे हैं आप जैसे देख रहे हो टीम नंबर 24, और ये क्या टीम नंबर 24 के दूसरे बंदे भी नॉक हो चुके हैं जैसे आप देख रहे हो टीम नंबर 24 में अभी एक ही एक बंदा सर्वाइव कर रहा है, और ये क्या टीम नंबर 24 पूरी वाइप हो चुकी है टीम नंबर 2 के द्वारा जैसे आपने अभी अभी देखा। टीम नंबर 2 बहुत अच्छे खेल रहा है, उनको 4 किल्स मिल गए टीम नंबर 24 के, पूरी स्क्वाड उन्होंने मतलब खाली किल कर ली, सॉरी। और जैसा आप देख सकते हो टीम नंबर 5 जॉर्जिया सिटी में है और उनके पास में टीम नंबर 99 टीम नंबर 21 है यहाँ पे मतलब एक रूम में कैंप कर रहे जो जिनका नाम TL विनोद है, और यहाँ पे जॉर्जिया पुल सिटी में भी कुछ फायरिंग्स देखने को मिल रही है टीम 13 और टीम नंबर 9 के बीच में। जैसे देख सकते हो यहाँ पे टीम नंबर 9 और टीम नंबर 13 के ऊपर रश हो गया है, टीम नंबर 13 के एक बंदे यहाँ पे नॉक हो चुके हैं और टीम नंबर 9 के भी आप जैसे देख रहे हो गाइस यहाँ पे उनका पूरा किल लिया जा रहा है जैसे आपने देखा। बस आपने जैसे देखा टीम नंबर 13 ऊपर आ गए दो बंदे और उन्होंने टीम नंबर 9 के एक बंदे को नॉक कर दिया, टीम नंबर 9 के जो बंदे हैं आगे वाली बिल्डिंग से उन पर फायरिंग दे रहे हैं, आपने देखा ये पूरा किल लेने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्या टीम नंबर 9 का एक बंदा पूरा किल ले लिया और दो बंदे अभी और सर्वाइव कर रहे हैं टीम नंबर 9 के। अब जैसे देख रहे हो टीम नंबर 13 का एक बंदा उनका भी एक नॉक पड़ा है गाइस, गाइस ये क्या टीम नंबर 9 का और एक बंदा नॉक हो चुका है जैसे आपने देखा, शायद यहाँ पे टीम नंबर 9 वाइप होने वाली है आप देख रहे हो टीम नंबर 13 को। अच्छा आप जैसे देखे टीम नंबर 9 के अभी एक ही बंदे सर्वाइव कर रहे हैं टीम नंबर 13, शायद उन पर पुश कर देगी और टीम नंबर 9 पूरी वाइप हो चुकी है जैसे आपने देखा टीम नंबर 13 ने पूरा उनका किल ले लिया। आप देख सकते हो टीम नंबर 10 के एक बंदे यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, उनकी तरफ मूवमेंट्स मिल रही है, यहाँ पे स्मोक किया गया उनकी टीममेट्स के द्वारा उनको रिवाइव करने के लिए। गाइस आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ऑन इंस्टाग्राम यूट्यूब सब जगह। गाइस याचना में भी यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स मिल रही है टीम नंबर 25 यहाँ पे ग्राउंड में, आपको बता देता हूँ ग्राउंड में कौन कौन टीम नंबर 8 एंड टीम नंबर 25 आप देख सकते हो, टीम नंबर 8 यहाँ पे ओपन छत पे कैंप कर ली है और टीम नंबर 25 पे फायरिंग कर रही है यहाँ पे जैसे देख सकते हो टीम नंबर 25 का एक बंदा छत पे है और उन पर 4x से M416 से स्पॉट किया गया उनको, पर अभी तक फायर नहीं किया गया की कर रहा है ब्रा की कर रहे। गाइस प्लीज अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट कीजिए लाइव स्ट्रीम पे, जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 5 का सपोर्ट यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में थे, जिनको अपनी टीम का नंबर नहीं पता था वो मेरे को मतलब मैसेज किए थे और टीम नंबर उनकी जो टीममेट थे उनका नंबर पूछे मतलब कौन सी टीम में है, तो वो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम पे जैसे आप देख सकते हो गाइस।
भाई साहब जॉर्जी पुल में क्या हो रहा है, टीम नंबर 4 के बंदे ऐसे ही खड़े हुए हैं दिख रहे हमें। ओ भाई ये क्या हो रहा है भाई साहब, देख सकते हो अभी टीम नंबर 4 का जो बंदा है ये ऐसे ही मतलब ओपन में खड़ा है, क्योंकि उसकी पूरी टीम वाइप आउट हो चुकी है और इसको अभी तक कोई भी टीम से स्पॉट नहीं किया। टीम नंबर 13 भी इनके पास में ही है, 17 भी। भाई अगर आपको ऑफलाइन जाना ही था तो लाइव स्ट्रीम में अगर कोई और बंदे को मिल जाता है यार ये सीट। तुषार कुमार कौन सी टीम में है भाई, एक ही एक सेकंड, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टीम नंबर 4 का एक बंदा मतलब ऑफलाइन बैठा है यार। अच्छा मैं आपको ये बता देता हूँ, शायद ये वाइप होने ही वाले है। तुषार कुमार ब्रो, उनका गेमिंग नेम क्या है क्या आप हमें बता सकते हो? जतिन एस, आप उनका गेमिंग नेम क्या हमें बता सकते हो? और जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 4 को जो बंदा ऑफलाइन था उनको स्पॉट करके टीम नंबर 17 ने किल कर दिया, जैसे आपने देखा अभी अभी। जतिन एस, क्या आप आपके फ्रेंड का गेमिंग नेम बता सकते हो ताकि हम आपको बता सके वो कौन सी टीम में है या क्या है? अब आप देख सकते हो हॉस्पिटल में भी बैच 69 के जो बंदे हैं सोनिक, वो भी हॉस्पिटल पे कैंप कर रहे हैं। ब्रो आई एम सॉरी पर जतिन एस ये नाम से हमारे इस गेम में नहीं, पर तुम तुषार नाम से कोई दूसरे बंदे हैं हमारे गेम में, उनका नाम है तुषार 9511। भाई सब जैसे देख सकते हो ब्लू जोन ने टीम नंबर 13 को यहाँ पे टीम नंबर 13 से आगे चला गया और यहाँ पे उनकी हेल्थ डाउन हो रही है। जॉर्जीपुर में भी फायरिंग हो रही है टीम नंबर 21 के बीच और टीम नंबर 19 के बीच, जैसा आप देख सकते हो टीम नंबर 19 गाड़ी से यहाँ से निकली अभी अभी और टीम नंबर 21 उन पर फायरिंग कर रही थी। टीम नंबर 19 ये गाड़ी से उतर गए जैसे आप देख रहे हो और उनको स्पॉट करने की कोशिश में। ऐसे पे 4x लेके यहाँ पे फायरिंग किया जा रहा है जैसे आप देख रहे हो। टीम नंबर 21 भी अभी गाड़ी में बैठ चुके, शायद ये रश करेंगे या यहाँ से निकल जाएंगे। भाई जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 21 गाड़ी से निकल गए और उनको टीम नंबर 19 की तरफ से फायरिंग हो रहा है। ओ गाइस टीम नंबर 21 उनकी तरफ आ गई है, जैसे आप लोग देख रहे हो टीम नंबर 21 उनकी तरफ आ रही है और यहाँ पे ये सब बंदे उतर गए। भाई साहब पे बूस्टर सप्लाई करे जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 19 पे फायरिंग हो रहा है और ये क्या टीम नंबर 19 के एक बंदे नॉक हो चुके हैं जैसे आपने देखा, और ये क्या नेट थ्रो हुआ टीम नंबर 19 के भी, टीम नंबर 21 के एक बंदे नॉक हो चुके हैं जैसे आपने देखा, और ये क्या टीम नंबर 19 के दो बंदे नॉक हो चुके हैं जैसे आप देख सकते हो। गाइस टीम नंबर 19 के यहाँ पे दो बंदे नॉक हो चुके हैं और उनके एक बंदे को यहाँ पे रिवाइव किया जा रहा है और उनके एक बंदे वाइप आउट हो चुके हैं। टीम नंबर 21 जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 19 की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे एक बंदे को स्पॉट किया और उन पर फायरिंग दे रहे हैं। आप देख सकते हो टीम नंबर 19 के बंदों की दोनों की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा डाउन है और टीम नंबर 19 के भी तीसरे बंदे हैं उन पर भी लगातार फायरिंग। और ये क्या जैसे देख सकते हो टीम नंबर 19 के बंदे नॉक हो चुके हैं और यहाँ पे ओवरऑल दो एक ही बंदे बचे, दो बंदे नॉक हो गए और आप देख सकते हो जैसे टीम नंबर 19 शायद वाइप हो जाए यहाँ पे, और टीम नंबर 19 को वाइप कर दिया टीम नंबर 21 ने जैसे आपने देखा। और टीम नंबर 5 के जो बंदे हैं ये इनके पास आ गए जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे टीम नंबर 5 के बंदे उनसे ज़्यादा दूरी पे नहीं है। भाई साहब जैसे देख सकते हो जॉर्जी पुल में अभी भी दो टीम से टीम नंबर 21 बता दो भाई, भाई यार आप जो बोल रहे हो वो बंदे इस गेम में नहीं है। जैसे आप देख सकते हो तुषार नाम के दूसरे बंदे हैं यहाँ पे, तुषार जिसका मैंने अभी अभी आपको थोड़े टाइम पहले आईडी बताया था, आपके फ्रेंड इस गेम में एंटर नहीं किए। आप देख सकते हो तुषार 9511 एक बंदे है। गाइस अब टीम नंबर 15 के पास, टीम नंबर 11 ने टीम नंबर 15 को यहाँ पे वाइप आउट कर दिया जैसे आपने देखा। गाइस टीम नंबर 15 को वाइप आउट कर दिया टीम नंबर 11 और यहाँ पे टीम नंबर 18 की तरफ भी फायरिंग हो रहा है। टीम नंबर 18 के एक बंदे नॉक है जिनको अभी रिवाइव दिया जा रहा है बिन 767 के तरफ से, जैसे आप देख सकते हो उनके एक बंदे को रिवाइव दिया जा रहा है और यहाँ पे उनके पास में ग्राउंड टीम आपको बता रहे थे यहाँ पे कोई।
आप देख सकते हो उन्होंने जो उनकी टीम थी उनके बाजू में, मैं देख नहीं पाया, उनको किल कर दिया है। आई एम रियली सॉरी, मैं उनकी टीम देख नहीं पाया जो उनके पास में थी, क्योंकि हम टीम नंबर 11 के तरफ में थे। आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने टीम को किल किया है यहाँ पे। लो स्टोन और की स्ट्रीम मारतिया अभिषेक जय। आई डोंट केयर ब्रो। भाई सब अभी हम आपको ओवरऑल टीम्स बता देते हैं। जो टीम है टीम नंबर 2, जिसके 3 बंदे अभी सर्वाइव करे टोटल किल ऑफ 4, और टीम नंबर 3 जो है पूरी स्क्वाड सर्वाइव करे टोटल किल ऑफ 0। सॉरी ब्रो, लाइक सॉरी अबाउट द आर्ग्यू, आई एम रियली सॉरी गाइस। लाइक व्हाट टू टेल ब्रो, याव टीम बगे अल ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ लाइक आई एम रियली सॉरी। टीम नंबर 5 जैसे आप देख सकते हो पूरी स्क्वाड बची है 0 किल्स के साथ। टीम नंबर 6 पूरी स्क्वाड, अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स आ रहे हैं टीम नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे F5 के बंदे ये इनकी स्क्वाड में आ गए, जैसे आप देख सकते हो F5 के बंदों की स्क्वाड थी टीम नंबर 4 और ये टीम नंबर 3 में आ गए हैं। गाइस इधर आप जैसे देख सकते हो टीम नंबर 7 और टीम नंबर 11 एकदम पास में है, और टीम नंबर 11 के बंदों की हेल्थ भी डाउन है, और यहाँ पे उजी से एक बंदे को नॉक कर दिया गया है टीम नंबर 7 के द्वारा। जैसे आपने देखा टीम नंबर 11 के एक बंदे को नॉक कर दिया गया, और टीम नंबर 11 के जो बंदे हैं बगी से आगे चले गए। जैसे आपने देखा टीम नंबर 11 में मैं आपको शो कर देता हूँ, उनके एक बंदे नॉक पड़े और टीम नंबर 11 दूर से उन पर फायरिंग कर रहे। जैसे आपने देखा 6x लगा के हम देख रहे हैं अभी AWM टीम को एक टीम नंबर 7 पर फायरिंग कर रहे हैं M416 से 6x लगा के, जैसे आपने देखा गाइस, वो अपने टीममेट को लाइक पूरा किल होने से बचा रहे हैं। आप देख सकते हो टीम नंबर 7 उनके पास में, और शायद यहाँ पे उनको नॉक भी कर देंगे टीम नंबर 7 के जो बंदे थे। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 7 के बंदे नॉक हो चुके हैं, जो मतलब किल लेने गए थे टीम नंबर 11 के बंदे का पूरा किल। गाइस जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 7 के बंदे अभी टीम नंबर 11 के बंदों को स्पॉट कर दिए जो हिल पे है, और ये क्या रेड डॉट से उन पर फायरिंग हो रहा है जैसे आप देख सकते हो गाइस। और टीम नंबर 11 के बंदे उनकी टीममेट की तरफ बढ़ रहे हैं स्मोक फेंकते हुए उनको हील रिवाइव करने के लिए, जैसे आप देख सकते हो गाइस। और सर यहाँ पे टीम नंबर 7 के भी जो बंदे नॉक पड़े हैं उनके टीममेट्स भी उनकी तरफ जैसे आप देख सकते हो वो स्मोक से बाहर निकलते हुए उनकी टीममेट्स की तरफ जा रहे हैं रिवाइव के लिए। क्या आपको लगता है गाइस यहाँ पे रिवाइव हो पाएगा? और जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 7 के पास भी स्मोक हो चुका है, शायद उनके टीममेट्स, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे उनके टीममेट्स आ गए उनको रिवाइव करने के लिए, और ये उनको रिवाइव मिल रहा है। और टीम नंबर 11 यहाँ पे शायद मतलब फायर कर सकते हो उन पे। गाइस जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो टीम नंबर 11 के एक बंदे जो है नॉक हो चुके हैं वापस टीम नंबर 7 के द्वारा। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे टीम नंबर 18 भी यहाँ पे फायरिंग में है, बढ़ते टीम नंबर 18 की तरफ। अभी आप देख सकते हो टीम नंबर 18 का एक बंदा नॉक हो गया टीम नंबर 2 के बंदे को, उन्होंने पूरा किल किया है। जैसे आपने देखा टीम नंबर 18 और 2 के बीच में यहाँ पे फाइट हुआ था, अभी भी टीम नंबर 2 के एक बंदे बचे हैं जिनका नाम है LC पवन। गाइस आप जैसे देख सकते हो टीम नंबर 18 के बंदे उनके घर में थे जो नॉक थे, उन्होंने उनका किल ले लिया है, और यहाँ पे टीम नंबर 18 के और बंदे बचे हैं। जैसे आप देख सकते हो 2 बंदे बचे हैं और पवन को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। गाइस पवन यहाँ पे अपनी हेल्थ बढ़ा रहे हैं जैसे आप देख रहे हो।
तो गाइस क्या लगता है आपको, टीम नंबर 2 यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी? टीम नंबर 18 के जो मतलब दो बंदे हैं उनसे बच पाएगी? आप देख सकते हो टीम नंबर 18 के बंदे ऊपर की तरफ नेड फेंक रहे हैं गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो टीम नंबर 18 के जो बंदे हैं विन 767 वो वेक्टर लेके उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वेक्टर क्लोज कॉल में बहुत ही हैवी डैमेज देता है, ये बात तो सबको पता है गाइस। अब क्लोज में वेक्टर का डैमेज हैवी है गाइस। यहाँ पे एलसी पवन ने टीम नंबर 18 के एक बंदे को नॉक कर दिया और एलसी पवन जैसा आप देख रहे हो बाहर आ चुके हैं। और ये क्या है, वेक्टर ने अपना कमाल दिखा दिया अपने, जैसे देखा वेक्टर ने उनका पूरा किल ले लिया एलसी पवन का। टीम नंबर 18 ने टीम नंबर 2 को पूरा वाइप कर दिया है गाइस। वेल प्लेड विनीता 767। ऐसे अभी हम बढ़ते हैं दूसरी टीम्स की तरफ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टीम नंबर 25 और टीम नंबर 21 के बीच में यहाँ पे फायरिंग चल रहा है। हाँ प्रिंस भाई, आपकी फेवरेट टीम को हम कैसे भूल सकते हैं? अब जैसे देख सकते हो आप टीम किल ले चुके हैं, उनके टीम में गलती से दूसरा बंदा आ गया जिनका नाम है FI से। इनके पास में फिलहाल कोई टीम नहीं है, तो हम बढ़ते हैं याशना की तरफ जहाँ पे टीम नंबर 25 एंड टीम नंबर 1 मौजूद है। गाइस जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 21 के बंदे ने, ओ गाइस यहाँ पे क्या नेड आया आपने जैसे देखा, टीम नंबर 21 की तरफ से नेड आया और जो नेड से एक बंदा नॉक हो गया। और मास्टर जिन्होंने आज हमारा चिकन डिनर दिया था, उन्होंने एक बंदे को यहाँ पे नॉक कर दिया और उनके टीममेट्स आप जैसे देख सकते हो उनकी तरफ रश कर रहे। और मास्टर जो आज हमारे सोलो मैच के विनर रह चुके हैं अभी नॉक हो गए जैसे आपने देखा अभी अभी। भाई सीट बहुत खतरनाक है। हाँ भाई सिट की तरफ भी बढ़ेंगे जैसे आप देख सकते हो गाइस। यहाँ पे दो टीम्स है, जैसे टीम नंबर 25 का एक बंदा नॉक पड़ा है और उनके दूसरे टीममेट है जो उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा डाउन है गाइस, उन्होंने 21 के बंदों को स्पॉट कर लिया है जैसे आपने देखा। वो पहले अपने बंदे की तरफ जा रहे हैं उनको रिवाइव देने के लिए। गाइस सबको क्या लगता है टीम नंबर 25 यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी? ये जो 21 टीम है इन्होंने हमारे एक मैच जो यूसीस का था उसमें भी ये लोग विन हुए। टीम नंबर 5 की मिस मत होने दो फाइट। हाँ भाई उनकी तरफ भी बढ़ेंगे जैसे आप देख सकते हो, उनके दो बंदे यहाँ पे, उन्होंने दो बंदे मारे हैं टोटली। और ये क्या, उन्होंने कोई घर में रश कर दिया है यहाँ पे ग्राउंड प्ले ग्राउंड जैसे हम बता रहे। टीम नंबर 17 मौजूद है और टीम नंबर ओ गाइस टीम नंबर 5 के यहाँ पे दो बंदे नॉक हो चुके हैं जैसे आपने देखा। नहीं नॉक नहीं हुए, उन्होंने दूसरे बंदे को नॉक किया था। आई एम रियली सॉरी, उनकी हेल्थ डाउन हो गई है। और ये टीम नंबर 5 के जो बंदे हैं नेट कुक कर रहे जैसे आपने देखा, टीम नंबर 17 की तरफ नेट कुक कर रहे और ये नेट थ्रो हो गया जैसे आपने देखा। क्या लगता है गाइस ये नेट से नॉक हो पाएगा कोई बंदा? नहीं मिस हो गया जैसे आपने देखा। ओ गाइस ओ नॉक हो गया गाइस, नॉक हो गया जैसे आपने देखा, ये नेट गिरा था और टीम नंबर 17 का जो बंदा था वो पूरा ही किल हो चुका है। टीम नंबर 17 पूरी वाइप कर दी है टीम नंबर 5 ने, बहुत ही हार्ड खेल रहे। और देख सकते हो यहाँ पे टीम नंबर 6 ने भी एंट्री कर लिया है। इस टीम नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं जैसे आप देख रहे हो, टीम नंबर 6 और टीम नंबर 5 यहाँ पे बहुत ही पास में है। मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे स्मोक हुआ है टीम नंबर 5 की तरफ और टीम नंबर 6 भी यहाँ पे सब ग्रास में है, देख सकते हो आप प्रोन हुए हुए। गाइस आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सी टीम? वेलकम ब्रो वेलकम। गाइस जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 6 अभी गाड़ी में बैठ के शायद ऐसे निकलने में ही भलाई सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब वो सेफ खेलने में है। जैसे आपने देखा टीम नंबर 5 ने अभी अभी एक पूरी मतलब 17 को भी किल किया और 21 शायद 21 थी, एक सेकंड लेट मी नो, नहीं 21 नहीं 17 की स्क्वाड को ख़त्म किया था। अभी हम बढ़ते हैं दूसरी टीम्स की तरफ। जैसे आप देख सकते हो जोन बना है मैंशन और प्रिजन की तरफ। ये क्या है भाई, गाइस आपने शायद अभी एक चीज मिस कर दिया। टीम नंबर 14 के जो बंदे हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत ही बड़ा जंप लगाया गाइस। जैसे आपने देखा टीम नंबर 14 के जो बंदे हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत ही बड़ा जंप लगाया। हो गया भाई, बहुत खराब हो गया उसका। अब भी वाला उसके साथ गेम कर दिया, गाड़ी ढो नहीं है देख।
गाड़ी पकड़ा घूमने लगा। गाइस जैसे आपने देखा, ये जो बंदे मतलब हैं कि टीम नंबर दूसरे टीम 14 का के, काम इनकी है। आईडी में नोट करना चाहूंगा। और गाइस आपको क्या लगता है, इन्होंने अभी ये जो किया ये क्या था? ये मतलब इन्होंने इतनी हाइट जंप लगाई। हाँ भाई पता चल गया, जैसे इनकी जंप थी ये मतलब एयर में पूरा ऊपर लिफ्ट हुए थे। जैसे अभी आपने अभी अभी देखा टीम नंबर 14 के जो बंदे हैं, इनका नाम है क्यू भाई, आपने जैसे देखा टीम नंबर 14 के बंदे हैं ये पूरा हाइट उछल गए थे। और गाइस टीम नंबर 14 पे यहाँ पे टीम नंबर 5 के द्वारा फायरिंग हो रहा है, जैसा आप देख सकते हो। गाइस यहाँ पे टीम नंबर 5 के जो बंदे थे, जो हमें शायद मतलब कुछ ग्लीच करते हुए या क्या था वो हमें देखने को मिले, और उनको टीम नंबर 5 ने किल कर दिया, जैसा आपने देखा। गाइस प्लीज ये स्ट्रीम को वापस से आप देख सकते हो। टीम नंबर 14 के जो बंदे थे उनका जो जंप था बहुत ही हाइट जंप था, और वो नॉक भी नहीं हुए इतना हाइट गिरने के। गाइस प्लीज मेरे को कमेंट कीजिएगा ये लाइव वीडियो में, या लाइव वीडियो के बाद जो कमेंट सेक्शन रहता है उसमें, ये टीम नंबर 14 का बंदा मतलब क्या क्या किया था इसने, और इसकी आईडी एक बार मैं वेरीफाई मतलब जरूर कराना चाहूंगा। गाइस जैसे आपने देखा ये लाइव स्ट्रीम में ही कैप्चर हुआ था, जो जंप इन्होंने लगाया था बहुत ही हाइट वाला जंप था। गाइस यहाँ पे टीम नंबर 11 और टीम नंबर 6 के बीच में फायरिंग हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी स्क्वाड टीम नंबर 3 भी एंटर कर चुके हैं, और उनकी गाड़ी फुल डैमेज है। गाइस जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 3, उनकी गाड़ी फुल डैमेज है, और उनकी गाड़ी पे लगातार फाइट हो रहा है, मतलब उनकी गाड़ी पे लगातार फायरिंग हो रहा है। और ये क्या, गाड़ी जस्ट मिस हो गए, वो गाड़ी जैसे ही क्योंकि उसको फायर लग गया, जस्ट मिस हुए गाइस। अबे गाड़ी ब्लास्ट भी हो सकती थी जैसे आप लोगों को पता है। गाइस जल्दी से अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट कीजिए, और आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सी टीम सर्वाइव कर पाएगी, जल्दी से अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट करके बताइए। ओ भाई जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे टीम नंबर 3 के जो बंदे थे वो गाड़ी से मतलब गाड़ी उनकी ब्लास्ट हो गई और उनका किल हो गया है। हाँ गाइस मेरे को भी लग रहा है। तो जैसे आप देख जानते हो आजकल मतलब अगर किसी पे डाउट होता है तो आप उसकी आईडी पबजी का जो एक वेबसाइट उन्होंने बनाया है उस पर आप दे सकते हो, या आप उन पे कर सकते हो आप एक क्लेम, तो वो आपको चेकआउट करके बताएंगे। इट्स न्यू अपडेट, गेट नॉक आउट ऑफ इवन इफ यू जंप फॉर हाइएस्ट और एग्जिस्ट फ्रॉम मूविंग कार। ओके गाइस भाई मैं ये अपडेट के बारे में जरूर चेकआउट करके इस पे भी एक वीडियो बनाना चाहूंगा। ऐसे हमारे अभिषेक अभिषेक जे ने बोला। गाइस अब जैसे देख सकते हो टीम नंबर 3 ने यहाँ पे एंटर कर लिया इस घर में। टीम नंबर इनके बाजू में टीम नंबर 7, 11 और 6 है। जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 6 भी हिल पे है, और उनके वो टीम नंबर 11 की तरफ जा रहे हैं। गाइस टीम नंबर 11 का एक बंदा उनके नीचे ही सोया हुआ है, जैसे आपने देखा टीम नंबर 6 ने उनको स्पॉट नहीं किया। गाइस गाइस ये आप जैसे देख सकते हो टीम नंबर 6 को उसने स्पॉट मतलब टीम नंबर 11 के बंदे टीम नंबर 6 के बंदे ने 11 को स्पॉट नहीं किया। ओ भाई ये क्या था भाई, टीम नंबर 6 के बंदा यहाँ पे स्पॉट नहीं कर पाया। गाइस उनके एकदम ऊपर से ही निकला जा रहा है, देखा। ओ भाई ये बहुत एपिक था गाइस, जैसे आपने देखा टीम नंबर 11 का बंदा टीम नंबर 6 के एकदम डाउन पे ही था, वो उसके ऊपर से गया बल्कि, और वो स्पॉट नहीं कर पाया। गाइस टीम नंबर 11 का बंदा स्पॉट हो गया, और ये शायद यहाँ पे नीचे जंप लगा सकते हैं जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 6 के बंदे। ओ गाइस जैसे आपने देखा टीम नंबर 6 की तरफ से यहाँ पे उनको कार 90 VSS से, नहीं, गाइस गन कौन सी थी मैंने देखा नहीं, पर उनको नॉक करके किल कर दिया गया। टीम कार 98 थी, टीम नंबर 11 वाइप हो चुका है। जैसे आप देख सकते हो अभी ओवरऑल टीम है टीम नंबर 3 23। अब मैं आपको ओवरऑल टीम्स बता देता हूँ, टीम नंबर 3 6 7 21 एंड 23। गाइस आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है, प्लीज कमेंट करो। गाइस टीम 5 वाइप, गाइस टीम 5 तो वाइप हो चुकी है। गाइस आज आपको क्या लगता है कौन सी टीम सर्वाइव कर पाएगी, टीम नंबर 6 21 जैसे आप देख सकते हो गाड़ी लेके एंटर कर रहे हैं, पूरी स्क्वाड अभी भी उनकी सर्वाइव कर रही है, इन गाड़ी लेके अभी एंटर हो चुके हैं, जैसे आपने देखा प्रिजन के अंदर एंटर हो चुके हैं। गाइस टीम नंबर 3 में 2 बंदे बचे हैं, टीम नंबर 6 में 1, टीम नंबर 7 में 1, टीम नंबर 24 पूरी स्क्वाड, और टीम नंबर 23 भी पूरी स्क्वाड। वेदांश गेमर
वेदांश भाई आप टीम नंबर 5 से बिलोंग करते हो ना, TL वेदांश। वेदांश भाई आपने जो टीम नंबर 14 के बंदे को मारा, प्लीज वीडियो को थोड़ा बैक करके देखना, वो बंदे ने इतनी हाइट जंप लगाई, वो जंप क्या थी मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। आप जैसे देख सकते हो टीम नंबर 21 ने यहाँ पे टीम नंबर 6 के एक बंदे को स्पॉट कर लिया है गाइस। और यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू से बता देता हूँ कौन सी स्क्वाड किधर है। टीम नंबर 6 के बंदे ऊपर है, टीम नंबर 7 और 3 के बंदे इधर है। जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 7 के सोलो बंदे हैं और वो मतलब अपने को शो नहीं करना चाहते। टीम नंबर 21 आप देख सकते हो सेफ खेल रहे हो जितना हो सके। टीम नंबर 7 अभी देख सकते हो स्मोक हो रहा है, शायद ये टीम नंबर 6 की तरफ से हुआ है स्मोक। B2W के बंदे जो है छत पे आ गए, जैसे आप देख सकते हो शायद ये उनके लिए मतलब गलत होएगा, क्योंकि आप देख सकते हो मतलब वो स्पॉट हो सकते हैं उनके पीछे ही। टीम नंबर 7 का एक बंदा है और ये क्या टीम नंबर 23 पे ADC से लगातार फायरिंग करे और ये मिस हो गए टीम नंबर 23 के बंदे। गाइस हम टीम नंबर 7 के बंदे के पास चलते हैं जो एक घर में कैंप करके है, जैसे आप देख सकते हो गाइस वो अच्छे ज़्यादा सेफ खेल रहे हैं आज का मैच जीतने के लिए। गाइस यहाँ पे मतलब आप लोगों के फ्रेंड्स जो है अपने अपने मतलब स्क्वाड्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे अपने अपनी स्क्वाड्स को सपोर्ट कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे लगातार नेड हो रहे हैं, हम बढ़ते अभी टीम नंबर 23 जो अभी हिल पे है उनकी तरफ। गाइस टीम नंबर 23 के बाकी बंदे टीम नंबर 21 के एकदम पास में है जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे नेड थ्रो हो रहा था टीम नंबर 23 के द्वारा टीम नंबर 21 पे, और ये जैसे देख सकते हो एक मोली फेंका जा रहा है टीम नंबर 21 के ऊपर। और क्या आपको लगता है गाइस ये मोली मतलब गिर के अफेक्ट कर पाएगी? जैसे आप देख सकते हो मोली उनकी तरफ गिरी ही नहीं, मोली थोड़ा पीछे गिरी थी और यहाँ पे लगातार स्मोक हो रहा है। वैसे अभी टीम नंबर 23 के बंदों को स्पॉट कर लिया टीम नंबर 21 ने जैसा आप देख सकते हो, और उनके एक बंदे यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो टीम नंबर 21 के, ओ वैसे टीम नंबर 21 के तीन बंदे नॉक हो चुके हैं टीम नंबर 23 के द्वारा। जैसे आपने देखा टीम नंबर 23 का भी एक बंदा नॉक पड़ा है और ये टीम नंबर 21 पूरी वाइप हो चुकी है। अभी ओवरऑल स्क्वाड से 3, 6, 7, 23। वैसे आपको क्या लगता है कौन सी स्क्वाड सर्वाइव कर पाएगी? 23 आप जैसे देख रहे हो टीम नंबर 21 को इन्होंने पूरा वाइप किया। इस टीम नंबर 7 का जो बंदा है अभी भी कैंप करके बैठा है, ओ भाई कैंपर भाई मतलब ये सेफ और अपनी टीम को जिताने के लिए, जैसे आप देख सकते हो ये सोलो है तो मतलब ये अपनी टीम को कैसे भी करके शायद हील की मैच पे जीत जाए या कोई टीम को स्पॉट कर दे जो इनके पास में, और क्या पता किल भी हो जाए इनसे और ये जीत भी जाए। जैसे देख सकते हो 6 और 7 सोलो है, और गाइस ये क्या जोन आ गया था जैसे आपने देखा टीम नंबर 7 की तरफ, और अब इनको जोन में जाना है। ओ गाइस जोन भी इनके मतलब सपोर्ट में है, जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 7 के सपोर्ट में ही है जोन, और ये थोड़ा मतलब फर्स्ट एड किट अप्लाई कर रहे हैं। गाइस टीम नंबर 3 के जो बंदे हैं उन्होंने स्पॉट कर लिया है टीम नंबर 23 और 6 के बंदों को, जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 6 के बंदे उनसे नीचे ही है यहाँ पे, और टीम नंबर 23 के बंदे उन पे पीक ले रहे हैं जैसे आपने देखा। गाइस टीम नंबर 23 की तरफ हम बढ़ते हैं, ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पे टीम नंबर 23 पूरी बाहर आके मतलब नेट नेट थ्रो होने वाला है यहाँ पे, शायद ये टीम नंबर 3 के ऊपर नेट थ्रो होने वाला है। यहाँ पे टीम नंबर 3 के बंदे सतर्क होते हुए वहाँ से निकल गए जैसे आपने देखा गाइस, और ये क्या टीम नंबर 3 के बंदे ने एक बंदे को नॉक कर दिया है यहाँ पे। गाइस ये नॉक ये क्या हुआ था, एक सेकंड गाइस ये थोड़ा ग्लीच हुआ था कि क्या था पता नहीं चला। टीम नंबर 7 का बंदा किल हो गया, अगोरा ने किल किया था उसका, जैसे आप देख सकते हो B2W के अगोरा ने टीम नंबर 7 के बंदे को किल कर दिया। अभी 23 के बंदे उनके नीचे वाले ही घर में, शायद यहाँ पे लगातार नेट्स आएंगे या अगोरा उनके घर पे घर की छत। अब जैसे देख सकते हो एक मोली आया SP की तरफ और SP मिस हो गए मोली से, जैसे आपने देखा गाइस शायद SP यहाँ पे ऊपर जाएंगे या क्या होने वाला है SP देख रहे हैं, क्योंकि जोन उनको इतना मतलब कटआउट दे चुका है। और टीम नंबर 23 मतलब लगातार नेट्स नेट्स आप देख सकते हो नेट कुक होके यहाँ पे थ्रो हो रहे। भाई सबको क्या लगता है पे कौन सी टीम मतलब सर्वाइव कर पाएगी? जैसे आप देखते हो जोन भी है तो टीम नंबर 23 के बंदे शायद ही ऊपर आएंगे अब, क्योंकि जोन से अगर वो 2 फ्लोर ऊपर भी आए। ब्रो कल भी सोलो मैच होगा? नहीं भाई सोलो मैच, क्योंकि आज आप देख सकते हो बहुत सारे बंदों ने सब लाइव चैट में ही मना किया था। कल मैं दोपहर में स्क्वाड का मैच, जैसे हमारा रेगुलर होता है स्क्वाड के ही मैच होते हैं दोनों मैच। और भाई यहाँ पे B2W के बंदे जो देख रहे हो अगर वो नॉक हो चुके हैं और ये किल हो गए B2W के, अभी एक ही बंदे बचे हैं जैसा आप देख सकते हो जो है SP और
23 के भी टीम के दो बंदे नॉक हो चुके हैं, जैसे आपने देखा 23 के अभी तीन बंदे नॉक हो चुके हैं, एक ही बंदे बचे हैं। क्या लगता है गाइस, अपन बीटीडब्ल्यू जीत पाएगा ये मैच? ओ गाइस, जैसा आप देख सकते हो जस्ट एंडिंग मोमेंट पे बच गए, मतलब बी2डब्ल्यू मतलब आउट हो गए। एसपी बंदे, एसपी जो थे बहुत ही अच्छे खेले एसपी। और अब जैसे देख सकते हो जबीर विथ 4 किल्स जीते हैं, ईवल विराज विथ 3 किल्स, INDDI इनका नाम क्या है समझ में नहीं आ रहा है, जो तीसरे बंदे हैं उन्होंने 2 किल से जीते हैं, और ईवल सिड 5 किल से जीते हैं गाइस, कंग्रेचुलेशंस। और सेकेंड नंबर पोजीशन पे बी2डब्ल्यू अगोरा, FIK एनएस, और बी2डब्ल्यू के अकरम, और बी2डब्ल्यू के SP गाइस। सब स्क्वाड ने बहुत ही अच्छा खेला, जैसे आप देख सकते हो गाइस बहुत सब स्क्वाड्स ने बहुत ही अच्छा खेला। और गाइस जिन जिनको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक चाहिए, मतलब इंस्टाग्राम पे जो भी लाइव स्ट्रीम है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है मेरे यूट्यूब में डाल दिया है, आप जाके अबाउट में देख सकते हो। और अगर आपको स्ट्रीम के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे मिल जाएगा। कल भी एक स्ट्रीम होने वाला है दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच, और शाम में भी होने वाला है, जो ये नॉर्मल टाइम पे हम करते हैं 2 स्ट्रीम्स। तो गाइस कल शायद हम लोग UCS का मैच शायद रखेंगे, ये मतलब कंफर्म नहीं है, आपको बता दिया जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप मेरी स्टोरीज देख लेंगे, बिफोर 4 आवर्स या 5 आवर्स हम मैच के पहले डाल देते हैं स्टोरी में। गाइस लाइव चैट में मैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, जैसे आप देख सकते हो मैं मेरा इंस्टाग्राम का आईडी डाल रहा हूँ। गाइस मैंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी डाल दी है, ये मेरे गाइस प्लीज मेरे को वो बताना टीम नंबर 14, जो कोई मेरा लाइव स्ट्रीम मतलब देख नहीं पाया टीम नंबर 14 के बंदे को प्लीज चेक करके बोलना टीम नंबर 14 का बंदा मतलब क्या किया था, मेरे को समझ नहीं आया, पर मैंने उसकी आईडी नोट जरूर कर ली है, मैं उसकी आईडी पे जरूर एक बार चेकआउट करूंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। प्लीज गाइस आप लोग हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, और जैसे आप जानते हो हमारे अभी सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं अराउंड, मैं आपको एक सेकंड बता रहा हूँ, अराउंड 180 के पास हो चुके, शायद 180 हो चुके। तो जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर्स 250 हो जाएंगे, हम लोगों ने जैसे बोला था एक स्क्वाड का मैच रखा जाएगा, जो भी स्क्वाड जीतेगी उनको 35-35 UCS दिया जाएगा, और जैसे 500 हो जाएंगे हम लोग एक रॉयल पास देने वाले हैं। तो गाइस जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी बताइए हमारे चैनल के बारे में जो पबजी खेलते हैं, क्यों आप लोग जैसे जानते हो हम लोग UCS गिव अवे करते हैं मैचेस में, और बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाले हैं, अच्छे अच्छे थीम्स के साथ। और बहुत ही जल्दी मैं मेरा गेमिंग सेटअप पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होएगा मैं मेरे गेमिंग सेटअप पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं मतलब खुद ने मतलब मैं जैसे आप जानते हो मैं मतलब इंजीनियरिंग फील्ड से मतलब हमारे फैमिली इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करती है, तो मतलब मैंने खुद ही टेबल वगैरह मेरे लिए डिज़ाइन किया है। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लाइव स्ट्रीम, साइनिंग ऑफ योगेश रमत, कंग्रेचुलेशन टू द विनर्स, और सब टीम्स ने बहुत ही अच्छा खेला, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ योगेश रमावत।